नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हमारे साथ सुशील ओगले जी, जो बीजेपी जिला उपाध्यक्ष है वसई विरार के, और इन्होंने एक अभी बेहद अच्छा मुद्दा इस समय इन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। पत्र महानगर पालिका आयुक्त को दिया है, तो वो पत्र क्या दिया है उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर इस रिपोर्ट पर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो सीधा मुलाकात करते हैं सुशील जी। नमस्कार। सुशील जी, आपने जो एक पत्र दिया, वो पत्र के संदर्भ में क्या अध्यक्षिका बनवलेली आहे, विद्येचं माहेरघर ज्याला म्हटलं जातं ते ते गटारावर बनवायचं का? या ठिकाणी ज्या ठिकाणी अभ्यासिका बनवली आहे, या अभ्यासिकेच्या समोर बघाल तर इथे महानगरपालिकेचा प्लॉट आहे, एक चांगला मोकळा प्लॉट त्या ठिकाणी आहे, त्या ठिकाणी बनवली असती तर आज ही महापालिका अशा धोकादायक अवस्थेमध्ये आहे की सुरू व्हायच्या आधी भविष्यात येणाऱ्या पावसामध्ये सुद्धा ही महानगरपालिकेची अभ्यासिका गटारात पडली, किंवा इथे येणाऱ्या जाणाऱ्या गटाराचा दुर्गंधी जी आहे, म्हणजे मुलांनी वाचकांनी त्या लोकांनी जो अभ्यास करायचा यायचा येऊन या ठिकाणी, त्याच्यामध्ये या गटारावर बसायचं का या याच्यामध्ये? म्हणजे हा महापालिकेच्या कुठल्या अधिकाऱ्यांनी ही जागा सुचवली, हा मुळात एक विषय आहे अभ्यास करण्यासाठी की कोण अधिकारी आहेत की ज्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी हे सुचवलेलं आहे। महानगरपालिकेचा समोर प्लॉट आहे, मोकळा वेकंट प्लॉट आहे, त्या ठिकाणी जर बसवलं असलं तर तिथल्या आजूबाजूच्या चांगली सोय झाली असती। माझा या रस्त्याच्या पलीकडे समोरच जागा आहे, त्या ठिकाणी जर बनवली तर चांगली सोय लोकांसाठी होऊ शकते आहे। तो जैसा अभी सुशील ओगले जी ने पूरा मराठी में जिस तरह से बताया, ये महानगर पालिका ने एक मिनी लाइब्रेरी यहाँ बनाई है, दिखने में अभी इस समय काफी खूबसूरत है और अच्छा एक कदम बोल सकते हैं कि ये लाइब्रेरी लोगों के सीखने के लिए, पढ़ने के लिए एक विकल्प है। लेकिन इसको कहाँ बनाया जाना था और यहाँ बनाए जाने के पीछे क्या गलत हुआ, उसको लेकर सुशील जी ने जो सवाल उठाया वो वास्तव में एक सवाल अहम है। आप देख सकते हैं ये जो जगह है ये पूरी गटर की जगह है, ये नीचे जो क्षेत्र है ये पूरा गटर है और काफी बड़ा गटर है। ये गटर यहां से आगे ये पूरा क्षेत्र जीजे कॉलेज जहां से शुरू होता है, चीमा जप्पा जी ग्राउंड, वहां से ये गटर शुरू है और ये गटर खत्म होती है आगे जाके, जहां आप आगे देख सकते हैं वहां एक मिनी ब्रिज भी है और उसके बाद में गटर, ये एक माने में गटर तो है ही है लेकिन चैनल भी बोल सकते हैं इसको, इतना पानी का प्रवाह यहां होता है। तो बारिश के दिनों में यहां काफी पानी बहता है इसके नीचे, एक ये चीज इम्पोर्टेंट है। बारिश के दिनों में इस अभ्यासिका जो बनाया गया इसकी क्या हालत हो सकती है, ये कल्पना हम अभी कर सकते हैं। दूसरा कि बारिश को छोड़ दिया जाए तो बारिश के इतर दिनों में यहां नीचे पानी भरा रहता है तो इसके हिसाब से दुर्गंध होती है, मच्छर होते हैं, तो ऐसे में इस तरह की अभ्यासिका ऐसी दुर्गंध वाली जगह पर, मच्छर वाली जगह पर क्यों मनाई गई, इस पर इनका ये विरोध और उन्होंने पत्र महानगर पालिका आयुक्त को दिया है। तो कहीं ना कहीं जो सवाल उठाए वो सवाल वास्तव में सोचने वाले भी है कि कौन लोग हैं जो इस तरह की सलाह देते हैं, इस तरह की जगह चयन करने को बताते हैं। वसई विरार महानगर पालिका में मोटे तौर पर 850 के लगभग आरक्षित जमीनें हैं, जिनमें से अधिकतर जमीनों पर अतिक्रमण हो चुका है। खुद महानगर पालिका की कई जमीनें वैकेंट पड़ी है, आज भी वहां पर इस तरह के ये बांधकाम नहीं किए जाकर ऐसी जगह पर किए जा रहे हैं, तो ये एक सोचने और विचार करने की बात है। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत कुछ चीज जो अभी सुशील जी ने बोले हैं और जो नहीं भी बोली गई है वो भी सामने आती है, समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका आयुक्त को इन चीजों का ध्यान देना चाहिए और ये जो कारोबार चल रहा है फिलहाल वसई विरार में, इस कारोबार को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल अपनी जगह पे सही है। सुशील जी ने जैसे बताया कि यहाँ सामने ही कुछ जगह ऐसी है जो खाली पड़ी है, वहां पर भी इस मिनी लाइब्रेरी को बनाया जा सकता था, लेकिन इसको इस गटर के ऊपर बनाकर कहीं ना कहीं महानगर पालिका ने खुद अपने आप को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर